नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप 2 नंबर की हेल्प से महात्मा गांधी जयंती पर महात्मा गांधी जी का चित्र बनाना सिखाएंगे। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, बस आप जल्दी से मार्कर पेपर पेंसिल उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर देखिए 2 नंबर आपको कैसे लिखना है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ऊपर के साइड में पहले आप एक ऐसे हाफ सर्किल बनाइएगा, इस तरह आप ले जाएंगे, ये हो जाएगा। इसको आप ऐसे नीचे की तरफ यहाँ तक ऐसे बढ़ा दीजिएगा। बढ़ाने के बाद दोस्तों, एक लाइन आप आगे की तरफ बढ़ाइएगा, फिर हल्का सा नीचे की तरफ ले जाइए, यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ उठा देंगे। फिर आपको एक लाइन ऐसे बढ़ाना होगा, छोटी सी लाइन बढ़ाइएगा और थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाएंगे, यहाँ से आप ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ध्यान से यहाँ पे 2 नंबर दिख रहा होगा दोस्तों। और आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है, अगर आपको पता है महात्मा गांधी जी ने नमक आंदोलन कब किया था तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिएगा ध्यान से, अब आपको बीच से यहाँ से एक पेंसिल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। एक लाइन आपको यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करना होगा, फिर एक बीच से यहाँ पे भी आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। प्लस सिंबल बना देंगे बीच में। प्लस सिंबल बनाने के बाद इधर से आपको और नीचे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाना होगा। बढ़ाने के बाद अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब आपको एक छोटा सा यहाँ पर सर्किल बनाना होगा। पहले आप एक सर्किल यहाँ पर ऐसे बना दीजिए, ये हो गया एक सर्किल हमारा। फिर इसके बाद एक सर्किल आप इस साइड ऐसे बना दीजिएगा। जितना आप इधर ऐसे सर्किल बनाएंगे उतना ही इस साइड आप बनाइएगा। इधर से यहाँ पर मिलाइए, इसको आप ऐसे डबल करिएगा। डबल करने के बाद एक लाइन यहाँ पर, इसको भी आप ऐसे डबल कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए, इधर भी आप ऐसे डबल करिएगा। अब इधर से आगे की तरफ बढ़ाइए, फिर नीचे की तरफ ले जाइएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ऐसे करिए और ऊपर की तरफ आप ऐसे उठा देंगे। ऊपर की तरफ उठाने के बाद अब आप जस्ट ऊपर के साइड में आईब्रो बना दीजिए। पहले इधर ले जाइए और इसको आप ऐसे डबल करिएगा। यहाँ पर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करिए, इधर ऐसे ले जाइएगा, यहाँ पर आप ऐसे डबल कर देंगे। डबल करने के बाद दोस्तों, बीच में आपको आई बनाना होगा, यहाँ से ऐसे करिए और इधर ले जाइएगा। छोटा सा यहाँ पर सर्कल बनाकर आप ब्लैक कर दीजिएगा। सेम आप इस साइड में ऐसे रिपीट कर देंगे, यहाँ पर भी आप ऐसे कर दीजिए, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको छोटे छोटे लाइनें ऐसे ड्रॉ करना होगा। छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ करिएगा, इधर से आप हल्का सा अंदर बाहर यहाँ पर करिए, ये हो जाएगा। अब आपको नीचे के साइड में छोटी सी लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना होगा। अब इधर हम महात्मा गांधी जी का पहले आपको नोज़ बनाना सिखा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करिएगा, एक छोटी सी लाइन इधर ऐसे ले जाइए, फिर इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ करते हुए यहाँ से अंदर की तरफ कर दीजिए। इधर भी आप ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट करिएगा, हल्का सा नीचे के साइड में करिए, यहाँ से ऐसे उठा दीजिएगा दोस्तों। अब आप एक लाइन इधर ऐसे छोटी सी ड्रॉ करिए, एक छोटी सी लाइन आपको यहाँ पे ऐसे बढ़ाना होगा। लाइन को बढ़ाने के बाद आप ऐसे बहुत ही सावधानीपूर्वक यहाँ पे मिलाइएगा, फिर इधर से हल्का सा ले जाइए, ये हो जाएगा। यहाँ से आप दोस्तों ऐसे डबल कर दीजिएगा, ये हो गया डबल। डबल करने के बाद ये 2 का ये वाला हिस्सा आपको नीचे के साइड में ले जाना होगा, ऐसे हल्का सा ऊपर की तरफ आप ऐसे बढ़ा दीजिएगा। बढ़ाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे और नीचे की तरफ हल्की सी लाइन ड्रॉ करिएगा, एक लाइन आप इधर ऐसे बढ़ाएंगे। लाइन को बढ़ाने के बाद इस 2 का हिस्सा इधर आप ऐसे करिए, इधर से आप ऐसे नीचे की तरफ ले जाइएगा। यहाँ से देखिएगा ध्यान से, यहाँ से हल्का सा ऊपर की तरफ, फिर बाहर की तरफ कर दीजिएगा। एक लाइन आप इधर ऐसे ड्रॉ करिए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिएगा, फिर इधर से आप ऐसे नीचे की तरफ बढ़ाते जाएंगे दोस्तों। एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिएगा। तो ये हमारे बहुत ही आसान तरीके से महात्मा गांधी जी का चित्र बनके तैयार हो गया दोस्तों। यहाँ पे ऐसे इनका ईयर अंदर वाला हिस्सा बना दीजिएगा, ये हो जाएगा, और इधर ऐसे नीचे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। बढ़ाने के बाद ऊपर के साइड में आप छोटा सा यहाँ पे आईब्रो बना दीजिए, इधर भी ले जाइए, एक लाइन हल्की सी लाइन इधर ड्रॉ करिएगा पेंसिल की हेल्प से, यहाँ पे भी ड्रॉ कर दीजिएगा। अब आपको ये वाला हिस्सा जो हमने ऐनक बनाया है, इनका ऐनक आपको थोड़ा सा डार्क कर देना होगा। इधर ऐसे करिए, यहाँ पर भी ऐसे आप डार्क कर दीजिएगा पेंसिल या मार्कर की हेल्प से, जिससे भी आप बना रहे होंगे। चलिए अब हम महात्मा जी को पेंसिल की हेल्प से शेड भी देना सीख लेते हैं,